गुड मॉर्निंग। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग इमोशंस हम देख रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि हिप्पोकैम्पस, जहाँ पे हमारी मेमोरी प्रिजर्व होती है और रिट्राइव हम उसको वहाँ से कर सकते हैं, तो वहाँ से जब हम मेमोरी को ड्राइव करते हैं तो हमारा इमिग्डेला, मतलब कोई भी सिचुएशन पे जब हम इमोशनल लेवल पे जाते हैं तो इमिग्डेला स्टिमुलेट होता है, इमिग्डेला से रिस्पांस जनरेट होते हैं जो कि हाइपोथैलेमस को, इमिग्डेला हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है, फिर हाइपोथैलेमस हमारा एड्रेनल ग्लैंड को सिग्नल भेजता है जहाँ से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, जो हार्मोन हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और जिसकी वजह से फिजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे हार्ट रेट का चेंज होना, ब्रीथिंग रेट, ब्लड शुगर, परस्पिरेशन वगैरह, इस तरह के फिजिकल चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं। और हमने देखे कि निगेटिव इमोशन से निगेटिव चेंजेस जो कि हमारी बॉडी को हर्ट करते हैं, हमारे फिजिक्स को नुकसान पहुंचाते हैं, और जो पॉजिटिव इमोशन से पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम सीखें कि हम इमोशनल, हमारी इमोशंस को हेल्दी वे में किस तरह से डील कर सकते हैं, हेल्दी मैनर्स में किस तरह से हम उसको डील कर सकते हैं। तो हमने देखा था इसके पहले की वीडियो में कि अगर कुछ आदतें हम अपना लें, कुछ हैबिट्स हम बना लें अपनी, जैसे ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी की आदत आप में हो, आप हर चीज़ के लिए थैंकफुल हो, टू द पीपल एंड टू द गॉड, कि जो कुछ भी मिला है ज़िंदगी में बहुत अच्छा है, किसी ने आपके साथ जो कुछ भी किया वो बहुत अच्छा किया। डेफिनेटली हर इंसान में खूबी भी होती है, खामी भी होती है, अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके जो बिलोंगिंग है, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके सिबलिंग्स हो गए, आपके जो भी लव्ड वन बिलव्ड हैं, तो वो हर वक्त आपके साथ में अच्छे ही रह सकें, सभी कुछ बहुत अच्छे से कर सकें, ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। हर इंसान से गलतियां होती ही हैं और मूड चेंजेस हर इंसान में ही होते ही हैं, लेकिन अगर हम इमोशंस को हेल्दी मैनर में डील करते हैं तो क्या होता है कि हम फॉरगिवनेस का जज्बा अपने अंदर रखते हैं कि हाँ, अगर किसी से कुछ गलत हो गया तो उसको माफ़ करना चाहिए, और साथ ही ये कि उसने जो कुछ भी हमारे साथ अच्छा किया था, जो कुछ भी पहले अच्छा किया है, बाद में वो अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसके लिए ग्रेटफुल रहें। ऐसा नहीं कि अगर सामने वाले से कोई गलती हो गई है, किसी से हमको हर्ट हुआ, तो हम उसकी सारी अच्छाइयों को भी भुला दें। तो ये चीज़ से हमारी ही सेहत ख़राब होता है, हमारे ही इमोशंस पे, हमारी फिजिक्स पे निगेटिव इम्पैक्ट आता है उसका। ज़िंदगी में जो हमको बहुत सारी चीज़ें मिली हैं और नहीं भी मिली हैं, तो ना ही जो चीज़ें नहीं मिली उन पर रोने के बजाय, जो चीज़ें हमको मिली अगर हम उसके लिए ग्रेटफुल रहें, उसके लिए हम शुक्रगुजार रहें, तो हम हमारे इमोशंस को बहुत अच्छे से डील कर, मतलब हमारे इमोशंस के साथ में हम बहुत अच्छे से चल सकते हैं और ये इमोशंस हमारी बॉडी पर निगेटिवली इम्पेक्ट नहीं करेंगे। साथ ही हमने देखे थे कि एक तो माइंडफुलनेस इंसान में रहना चाहिए कि वो प्रेजेंट में जिए, पास्ट में क्या हुआ वो उस पर रोना, या फ्यूचर में कैसा होगा उसके लिए हमेशा फिक्रमंद रहना, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्शियस कंसर्न रहना, कैसा होगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो इट्स नॉट ए हेल्दी एटीट्यूड। माइंडफुलनेस होना चाहिए। और अल्ट्रिज्म भी हमने एक उसमें देखे थे कि किसी और की खुशी के लिए जब आप अपनी खुशी को कुर्बान करते हो, किसी और की खुशी के लिए जब आप कुछ करते हो, जब आप देने वाले बनते हो ना, तो देयर आर सर्टेन हार्मोन्स विच रिलीज फ्रॉम योर बॉडी, तो जो आपको खुशी पहुंचाते, बहुत ज़्यादा खुशी पहुंचाते हैं जो आपको, तो जो अल्ट्रिज्म हो गया, काइंडनेस हो गया, माइंडफुलनेस हो गया, ग्रेटिफिकेशन हो गया, इम्पैथी हो गया, अगर हम इन सारी आदतों को अपनाते हैं तो हम हमारे इमोशंस के साथ में बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं और इसको डिटेल में देखते हैं, इमोशनल वेलबींग क्या होता है। इमोशनल वेलबींग पहले ये एग्जाम्पल हम देखते हैं। Anjali knew her 12th prelim were going to start in 2 weeks. She had been studying hard, but she felt like she wasn't prepared. अंजलि के 12th के प्रीलियम एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसने काफ़ी मेहनत भी की है, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लग रहा है कि उसने अच्छे से तैयारी नहीं की है।
शी स्टार्टेड अवॉइडिंग गोइंग आउट सो दैट शी कुड स्टडी. वैन शी वुड टेक आउट हर बुक्स टू रीड शी कुडंट कॉन्सेंट्रेट. शी केप्ट थिंकिंग दिस इज सो हार्ड आई एम गोइंग टू फेल. उसने पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना कम कर दिया है, बंद कर दिया है बाहर जाना, और बस वो बुक्स लेके बैठी रहती है पढ़ने के लिए. लेकिन जब वो बुक लेती है तो वो उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती और उसके दिमाग में यही ख्याल चलता रहता है कि वो फेल हो जाएगी. माई पेरेंट्स विल बी सो डिसअपॉइंटेड विथ मी. और मैं फेल हो जाऊँगी तो मेरे पेरेंट्स बहुत डिसअपॉइंट होंगे, बहुत मायूस होंगे, बहुत नाराज़ होंगे. तो ये स्ट्रेस में अंजलि वुड कीप रीडिंग द सेम पेज ओवर एंड ओवर अगेन विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट शी हैज़ रीड. यही उसको स्ट्रेस होता है, यही थिंकिंग उसकी होती है कि वो फेल हो जाएगी, उसके पेरेंट डिसअपॉइंट हो जाएंगे, उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है. वो एक ही पेज को बार 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 पढ़ती है लेकिन उसको कुछ समझ ही नहीं आता कि उसने क्या पढ़ा है. एंड देन फील गिल्टी अबाउट द अमाउंट ऑफ टाइम शी हैड वेस्टेड ऑन वन चैप्टर. और जब इतना एक ही चीज़ को बार 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 पढ़ने के बावजूद उसको समझ में नहीं आता, ध्यान रखिए उसको समझ में क्यों नहीं आया, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही. ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ आप बार बार पढ़े और आपको समझ नहीं आ रही, मतलब आप बहुत बुद्धू है. अब एक एवरेज IQ सभी लोगों का रहता है और आप चीज़ों को अगर आप कॉन्सेंट्रेट करें तो आप चीज़ों को समझ सकते हैं, अच्छी तरह से लिख सकते हैं आप उस बारे में. लेकिन अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है, इफ़ यू डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ लर्निंग डिसएबिलिटी, इट मीन्स यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट. आप उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आप उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए आप वो नहीं समझ पा रहे हैं. तो अंजलि के साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि वो एक ही पेज को बार 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 पढ़ रही है लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आया. तो अब उसको लग रहा है कि उसने एक ही चैप्टर पे, एक ही पेज पे इतना वक्त ज़ाया कर दिया. एज द प्रीलियम एग्जाम गॉट क्लोज शी गॉट मोर एंशियस अबाउट हर एग्ज़ाम. तो जैसे ही प्रीलियम एग्ज़ाम करीब आते हैं वो और भी ज़्यादा एंशियस हो जाती है एग्ज़ाम के लिए. एंड टू डेज़ बिफोर हर पेपर शी गॉट ए हाई फीवर. और एग्ज़ाम के दो दिन पहले ही उसको बुखार आ जाता है. आप में से भी कुछ लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा कि बिल्कुल एग्ज़ाम के सामने, एग्ज़ाम के एक दिन पहले और एग्ज़ाम के दो दिन पहले आपको फीवर आ गया या और किसी तरह से आपकी तबीयत ख़राब हो गई. फिर बोलते हैं कि बिल्कुल एग्ज़ाम के टाइम पे तबीयत ख़राब हो गई थी ना, इसलिए पेपर अच्छा नहीं हो पाया, पढ़ाई तो बहुत की थी लेकिन बीमार हो गए, अब किस्मत ही ख़राब थी, इस तरह की बातें लोग करते हैं. तो इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग. ये हमको ये समझना चाहिए एग्ज़ाम के टाइम पे फीवर इसलिए नहीं आया कि आप जो बोलते कि किस्मत ही ख़राब थी, बल्कि आप पहले से स्ट्रेसफुल थे, आप पहले से एंशियस थे उस चीज़ को लेके, और तभी उसी वजह से आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है और आप को फीवर आया. सो एग्ज़ाम के पहले उसको फीवर आ गया लेकिन वो तो अभी डिटरमाइंड थे एग्ज़ाम देने के लिए. शी डिड विथ हर हाई फीवर और उसने अपने हाई फीवर के साथ में एग्ज़ाम दिया. अनफॉर्चुनेटली फॉर हर शी डिडेंट गेट द मार्क्स शी हैड होप्ड फॉर एंड वॉज डिसअपॉइंटेड. लेकिन बदकिस्मती से उसको उतने मार्क्स नहीं मिले जितनी वो उम्मीद कर रही थी और वो बहुत ज़्यादा मायूस हो गई. तो ऐसा क्यों हुआ? बट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं? देयर कुड बी अदर फैक्टर्स दैट वर ऑल्सो प्लेइंग ए रोल हेयर. हाँ ठीक है, ये कह सकते हैं हम. डू यू थिंक देर इज़ एनी थिंग दैट अंजलि कुड हैव डन डिफरेंटली हेयर. क्या आपको ऐसा लगता है कि अंजलि से यहाँ पे कुछ अलग हुआ है? इन दिस केस स्टडी इट इज़ ईजी टू थिंक दैट द पुअर आउटकम वॉज अ रिजल्ट ऑफ द फिजिकल इलनेस. हम ये कह सकते हैं कि रिजल्ट इसलिए ख़राब आया क्योंकि उसको बुखार आ गया था एग्ज़ाम के टाइम पे, वो बीमार पड़ गई थी, फीवर था उसको. बट डू यू थिंक, लेकिन क्या आप सोचते हैं, दे आर कुड बी अदर फैक्टर्स दैट वर ऑल्सो प्लेइंग ए रोल हेयर, कि वहाँ पे और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि अपना रोल प्ले कर रहे हैं. सिर्फ बुखार ही एक वजह नहीं है कि उसके मार्क्स कम हुए हैं, और क्या हो सकते हैं? अंजलि लॉस्ट फोकस इन हर स्टडीज़ ड्यू टू हाई एन्जाइटी. वो हाई एन्जाइटी की वजह से, बहुत ज़्यादा बेचैनी की वजह से पहले ही वो अपना फोकस खो चुकी थी पढ़ाई पर, विच निगेटिवली अफेक्टेड हर इम्यून सिस्टम. जिसने उसके इम्यून सिस्टम पर निगेटिवली अफेक्ट किया एंड कॉज्ड हर टू फॉल सिक, और उसकी वजह से वो बीमार पड़ गई. समझ में आया आपको? क्लियर हुआ कि उसको बुखार इसलिए नहीं आया कि सर्दी वायरल था या फिर उसकी किस्मत ख़राब थी, बल्कि उसको बुखार इसलिए आया क्योंकि वह पहले से ही बहुत ज़्यादा एंशियस थी. इमोशनल चेंजेस, वो अपने इमोशंस को डील नहीं कर पा रही थी, अपनी इमोशंस के
इमोशंस उसके स्टेबल नहीं थे, बहुत ज़्यादा वो एंशियस थी और उसकी वजह से वो पढ़ाई पर अपना कंसंट्रेट खो चुकी थी, फोकस वो अपना खो चुकी थी पढ़ाई पर, और उसकी वजह ये सारी चीज़ों की हाई एंजाइटी की वजह से उसका निगेटिव सिस्टम सॉरी उसका इम्यून सिस्टम निगेटिवली अफेक्ट हुआ, जिसकी वजह से उसको बुखार आया। While physical well-being is observable to the common eye, emotional well-being is innate and not easily observable. Physical well-being तो हम आसानी से देख सकते हैं, टेम्परेचर है नहीं है, बीपी कितना है, शुगर कितनी है, पल्स रेट कितनी है एंड सो ऑन, तो फिजिकल वेलबींग तो ईजिली ऑब्जर्वेबल होता है, लेकिन जो इमोशनल वेलबींग है वो आसानी से ऑब्जर्व किया भी नहीं जा सकता। इट कैन बी मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ ए पर्सन रेशनली हैंडल्स द सिचुएशन इन ए काम एंड हेल्दी मैनर। ये सिर्फ उसी तरह से उसी बेसिस पे मेज़र किया जा सकता है कि कोई पर्सन कितना रेशनली और कितनी काम होकर हेल्दी मैनर में किसी सिचुएशन को हैंडल कर रहा है। इमोशनल वेलबींग इज़ गेनिंग इम्पॉर्टेंस इन टूडेज फास्ट पेस्ड लाइफ दैट वी लीड। जो इमोशनल वेलबींग है इसका आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। आज की जो बिल्कुल दौड़ती भागती ज़िंदगी है और हर कोई बहुत एंशियस है, हर किसी के दिमाग पे काम का प्रेशर है, एक कंपटीशन की भी दौड़ लगी है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई सबसे आगे बढ़ना चाहता है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा एनजाइटी है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल स्ट्रेसर, पीयर प्रेशर, एग्ज़ाम प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशंस वगैरह, जो सारी चीज़ें हम पर इम्पैक्ट करती हैं। एज ह्यूमंस वी विल ऑलवेज एक्सपीरियंस निगेटिव इमोशंस वाइल कूपिंग विथ सच स्ट्रेसर्स। और जब हम ये सारे स्ट्रेसर्स से कूप करते हैं, फैमिली एक्सपेक्टेशन है, प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, या हम में खुद में ही एक कॉम्पिटिशन की दौड़ लगी है, तो क्या होता है कि हम निगेटिवली ये इमोशंस निगेटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं। बहुत एंजाइटी होना, डिप्रेशन होना, स्ट्रेस आना, इस तरह के निगेटिव इमोशंस हम एक्सपीरियंस करते हैं। वी नीड टू इंश्योर दैट वी कैन मैनेज दीज निगेटिव इमोशंस सो दैट दे डोंट प्रिवेंट अस फ्रॉम लीडिंग ए गुड लाइफ। तो हमको ख़ुद को ये यकीन दिलाने की ज़रूरत है, ये समझने की ज़रूरत है हमको कि ये सारे जो निगेटिव इमोशंस हैं, एनजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, जो कुछ भी निगेटिव इमोशंस हैं, हम उन सारे इमोशंस को प्रिवेंट इन सारे इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं और वो हमारे एक अच्छी लाइफ मैनेज करने के लिए, एक अच्छी लाइफ लीड करने के लिए हमको ये इमोशंस रोक नहीं सकते। ये निगेटिव इमोशंस एक अच्छी ज़िंदगी के लिए बाधा नहीं बन सकते अगर हम इसको मैनेज करें तो, और वी कैन डू, हम इसको मैनेज कर सकते हैं। Thus understanding and managing one's emotions, encouraging positive emotions and not getting overwhelmed by the situation, negative emotion is also an aspect of emotional well-being. तो इसलिए इमोशंस को समझना, उसको मैनेज करना, पॉजिटिव इमोशन को इनकरेज करना और किसी भी सिचुएशन से, किसी भी जो भी सिचुएशन है उससे ओवरवेल्म नहीं होना, इन सारी चीज़ों के लिए निगेटिव इमोशन भी और जो हमारी इमोशनल वेलबींग है उसके लिए निगेटिव इमोशन भी बहुत ज़्यादा एक मतलब एक एस्पेक्ट है उसका, कि हम ये सारी चीज़ों को समझ सकें, हमारे इमोशंस को मैनेज कर सकें, हैंडल कर सकें। तो जब हम निगेटिव इमोशंस को समझेंगे तभी तो हम उसके साथ में डील कर पाएंगे, तभी तो हम उसको मैनेज कर पाएंगे और तभी हम पॉजिटिव इमोशंस को इनकरेज कर पाएंगे। तो हम इमोशनल वेलबींग को कैसे अचीव करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इंशाल्लाह। हैव अ गुड डे।